हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे आज मैंने अपने बच्चों को एक खास से मिलवाए ये हैं हमारे है हमारे बुबू हिमालय और मेरे चाचा ससुर जी बच्चों को जब यह पता चला कि चाचा जी ने एक फिल्म में मेन रोल प्ले किया है तो बच्चों में ऑटोग्राफ लेने के लिए होड शुरू हो गई और मैं ये देखकर हैरान थी कि अस्सी वर्ष की अवस्था में भी चाचा जी बिना चश्मा लगाए और बिना हाथ कापे मोती जैसे अक्षरों में बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे चाचा जी ने पायर नाम की फिल्म में मेन भूमिका निभाई है यह फिल्म उत्तराखंड से हो रहे पलायन पर बनी है और आपको यह जानकर आश्चर्य और प्रसन्नता होगी कि टैलेंट ब्लैक नाइट फिल्म फेस्टिवल जहां पर दुनिया भर से फिल्में सेलेक्ट होती हैं उस फेस्टिवल के लिए चुनी गई यह अकेली भारतीय फिल्म है जी हाँ अकेली भारतीय फिल्म चाचा जी की रियल लाइफ रियल लाइफ से काफी मिलती जुलती है उनकी असल जिंदगी भी संघर्षों और उपेक्षाओं से जूझती रही है शायद यही वजह थी कि कभी फिल्म या कैमरा न देखने के बावजूद उन्होंने फिल्म में उम्दा प्रदर्शन किया चाचा जी आर्मी की बेस्ट वॉलीबॉल टीम के प्लेयर रहे थे उन्होंने बच्चों के साथ अपने वॉलीबॉल के किस्से शेयर किए वे बताते हैं कि कैसे वे दाया हाथ दिखा करके बाएं हाथ से खेलते थे ताकि सामने वाली टीम धोखा खा जाए और वे इतनी ताकत से मारते थे कि कई बार बॉल हवा में तक फट जाती थी पर प्रसिद्धि शायद उनकी किस्मत में नहीं थी अपने दाम्पत्य जीवन में भी वे बहुत ज्यादा लक्की नहीं रहे क्योंकि औलाद का सुख उनकी किस्मत में नहीं था रिटायरमेंट के बाद चाचा जी ने चाची के कहने पर अपने ससुराल जाकर के अपने साले साहब के बिन माँ के पांच बच्चे पालने का निर्णय लिया दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन चाची जी का निर्णय एक बहन समझ सकती है जो अपने भाई से बेहद प्यार करती हो और चाचा जी का निर्णय वो पति जो अपनी वाइफ को अपने अपने से ज़्यादा प्यार करता हो वरना उस जमाने में औलाद के लिए दो शादियां करना काफ़ी आम बात थी खैर चाचा चाची जी ने बच्चों का पालन पोषण किया उनकी शादियां की और जीवन के आखिरी पड़ाव में वे अपने पैतृक गांव वापस आ गए कारण चाहे जो भी रहा हो लेकिन यहाँ पे भी वो अकेले थे क्योंकि उनके भाई बंधु भी गांव से पलायन कर चुके थे अपने बच्चों के साथ और चाचा चाची जी अपने घर पे जिसे आप एक कमरा कह सकते हैं जो कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में था उसमें रहने के लिए बाध्य थे अब चाचा चाची एक दूसरे के साथ ही रह रहे थे या एक दूसरे के साथ वे खुश ही थे फिर भी मैंने चाची से जब बात की थी तो उनका दर्द उनकी बातों से झलक रहा था काफी बातें मेरे समझ में नहीं आई लेकिन पता चल रहा था कि वे अंदर से टूटी हुई है एक बीमारी के चलते चाची जी भी इस साल चाचा जी का साथ छोड़कर चली गईं। अब चाचा जी हिमालय की तरह एकांत वीरान में अपना वक्त अपनी प्यारी पत्नी की यादों के साथ काट रहे हैं वे हमारे घर आए हमसे अपनी सुनहरी यादें उन्होंने साझा की जिसका हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपका आने वाला वक्त आपको अच्छा स्वास्थ्य दे आप सुखी रहें और आपको प्रसिद्धि मिली जिसके आप हमेशा से हकदार थे